ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 22 जुलाई यानी आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव और माँ गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन उपवास रखने और महादेव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की पूजा उपासना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में देश भर में भक्त भोलेनाथ की कृपा की कामना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सड़कों पर बोलबम के नारे गूंज रहे हैं। भक्त भगवान शिव की भक्ति में झूम रहे हैं। तो देखिए, आज सावन की पहली सोमवारी और सालों बाद ऐसा विशेष संयोग इस बार सावन में कि पहली सोमवारी आज यानी कि सावन की शुरुआत जो है वो सोमवार से हुई है। यानी कि पहली सोमवारी, पहले दिन सावन की शुरुआत इस सोमवार से। और सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार का खासा महत्व हो जाता है सावन महीने में। और इस पूरे महीने की अगर बात करें तो इस बार ये भी विशेष संयोग है कि सावन की महीनों की अगर बात करें तो चार सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार के सावन में पांच सोमवारी पड़ेगी। यानी कि लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए और वक्त मिल जाएगा। खास करके बाबा देवघर की बात करें, बैद्यनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ भी शिवालयों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है। और देश ही नहीं, अलग अलग देश के कई हिस्सों से, बिहार से, झारखंड से देवघर लोग पहुंचते हैं। और पटना लिए चलते हैं आपको सीधे। विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ रही है। विनीता, एक विशेष संयोग ही कहा जाए कि आज पहली सोमवारी और इस दिन से ही सावन की शुरुआत हो रही है। कैसे भक्तों में उत्साह है, शिवालयों में क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या तैयारी है? बिल्कुल राहुल, आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ सावन की शुरुआत नहीं हो रही, सावन की शुरुआत भगवान शंकर के अति प्रिय दिन से हो रही है। यानी सावन की पहली सोमवारी सावन के पहले दिन पड़ी है और यही वजह है कि भक्तों में गजब का उत्साह है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान चलिए बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए विनीता, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो ये तस्वीर हमने पटना की भी दिखाई और पटना की अगर बात करें तो पटना के भी कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर शिव भक्तों की जो भारी भीड़ है वो नजर आती है और ऐसे में उत्साह, उमंग जो है वो देखते ही बन रहा है। एक बार फिर से विनीता के पास चलते हैं। विनीता, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, अभी क्या तस्वीर है वो बताएं। बिल्कुल राहुल, शायद अभी आवाज सही आ रही होगी कि आज सावन का पहला दिन है, पहली सोमवारी है। भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे, देखिए दूर दूर तक भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान शंकर को जलाभिषेक करने मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। और भगवान शंकर अपने भक्तों की सभी समस्याओं का हल करते हैं और उसी के मद्देनजर ये सावन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल पांच सोमवारी है, शुरुआत सोमवार से, अंत सोमवार से। और यही वजह है कि वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो उत्साहित हैं। जरा कतार हम आपको दिखा दें, लंबी कतारें बोरिंग रोड चौराहे की। यहाँ पर महिला पुरुष सभी भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। कहते भी हैं कि भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जितने भी लोग हैं वो अपने हाथों में एक कलश लेकर, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हम इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है? मेरा अमन कुमार। एक लोटा जल हर समस्या का हल लेकर आए। आज कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन की शुरुआत हो रही है सोमवार। हाँ, महत्वपूर्ण है आज। कहते हैं कि भगवान शंकर कन्याओं के मन चाहे वर देते हैं, आप लोग क्या मानते हैं? इस पर हम ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे आप। नहीं, नहीं। तो जो लड़के हैं वो करियर के लिए प्रार्थना करने आए हैं। और ये देखिए इधर जो महिलाओं की लाइन है वो भी जरा दिखा दे। दूर दूर तक जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ नजर आ रही है। सभी भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि संयोग बहुत आपके पास आएंगे। भागलपुर लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी न्यूज़ 18 सहयोगी
भाभी जी नेहा निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाभी जी, अगर सुल्तानगंज की अगर बात करें तो वहां से जल भर करके लोग देवघर की ओर पहुंचते हैं, वहां बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है सावन की, आज पहली सोमवारी और सबसे खास की इस सोमवार के दिन से ही सावन की शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, हम लोग जो है वो सुल्तानगंज के रास्ते में ही हैं, लेकिन उसके पहले भागलपुर में बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर है ये, और बाबा बूढ़ा नाथ के नाम से जाना जाता है इनको, और कहा जाता है कि त्रेता युग से इनका महत्व है। जब ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि जब यहाँ से राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे ताड़का का वध करने के बाद, उसके बाद उन्होंने जो है इस मंदिर की स्थापना की थी। और देखिए कि भक्तों की कितनी लंबी कतार है यहाँ पर, और सब लोग जो है बस बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे आइए जरा बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ आप कितनी श्रद्धालु, क्या मंदिर का कितना बड़ा? बहुत अच्छा मंदिर है और इसकी व्यवस्था भी सही है, और पहला सोमवारी है, बाबा के कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ हम लोग बेलपत्र का सेवा भाव भी रखा हुआ है, और शाम का रंगारंग कार्यक्रम भी है। और आपको मैं सारे सावन के पहले सोमवारी को सारे को अद्भुत सहयोग, ये बिल्कुल अद्भुत सहयोग है कि यहाँ पर जो है, देखिए एक तो सावन की शुरुआत और पहला ही सोमवारी, पहली सोमवारी है, भोले बाबा का बहुत कृपा रहता है, हर सप्ताह हम लोग आते हैं, अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे, हाँ अक्सर आते हैं। मंदिर के बारे में बहुत मान्यता है, मतलब रामायण युग से मान्यता है? हाँ बहुत मान्यता, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, इस बार क्या क्या अर्पण कर रहे हैं? किस पर? वही फूल, बेलपत्र, गंगा जल, दुबड़ी। देखिए कि बेलपत्र कनेल के फूल का जो है विशेष महत्व होता है, और कहा जाता है कि इससे भगवान जो है वो तुरंत खुश हो जाते हैं एकदम, और वैसे भी हमारे भोले दानी जो है वो तो वैसे भी भोले दानी है। यहाँ पर शंकर भगवान की जो है इतनी सुंदर सहयोग बना है कि हम लोग जो है सावन की शुरुआत सोमवारी से। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, फर्स्ट बार अभी आए हैं, भागलपुर में कर रहे हैं पूजा बूढ़ा नाथ में जल चढ़ाने, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बूढ़ा नाथ की कहानी भी बड़ी पुरानी है और बहुत अद्भुत, कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, हम तो बगल में रहते हैं, हम आते हैं डेली, बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते हैं, आनंद आता है। अच्छा देखिए कि यहाँ पर अच्छा मतलब वास रखनी है कि पूजा करने बस आई है? पूजा करनी है, उपवास वगैरह भी रखी है? हाँ उपवास रखी है, तो उपवास निर्जला रखी गई है? नहीं नहीं, फलाहार सब पे ही होता है। देखिए कि फलाहार रहे, निर्जला रहे, सोमवारी जो है वो सब लोग करते हैं, और सब लोग जो है वो सोमवारी के उपलक्ष्य में पूजा करने यहाँ पर आए हैं। और बाबा बूढ़ा नाथ मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दूर दूर से लोग तो आते ही हैं, लेकिन खासकर यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि भागलपुर का सबसे पुराना मंदिर है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग नाथनगर से आए। कहाँ से आइए? नाथनगर से। तो हरी साड़ी पहन के आइए सावन, सावन में हरी हरी भगवान भोले बाबा के नाम, सावन जो है वो आज बाबा बाबा के भोले का। अच्छा, पहला ही दिन सोमवारी पड़ा? हाँ बहुत खुशी की बात है, हाँ कि भोलेनाथ पहला ही सोमवारी को। पिछले बार तो देखिए कि एक माह पर जो है दूसरा माह एकदम फ्री मिल गया था, है ना, सावन के रूप में दो महीना सोमवारी था, और इस बार भी देखिए कि कितना अद्भुत संयोग है कि पांच सोमवारी, मतलब सोमवारी से शुरू और सोमवारी पर ही जो है वो कहा जाए पूर्ण विराम लगेगा। कहाँ से आई नेहा जी? आपके पास फिर लौटूंगी, संवाददाता हमारे साथ विनीता भी जुड़ी हुई है। विनीता, आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है, उस मंदिर की कितनी मान्यता है, और आज सोमवार को, सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई, आज के दिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में? बिल्कुल, सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि कहाँ हैं हम, तो पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में सावन के दौरान जो भक्तों की भीड़ है वो देखते बनती है। एक छोटा सा मंदिर, लेकिन जो आस्था है वो तस्वीरें बयां करती है कि भगवान शंकर कैसे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर खासकर दिन सोमवार का हो, सावन का महीना हो, तब भक्तों की जो भीड़ है, जो उनकी कतारें हैं, वो बताती है भगवान शंकर की महिमा, कि उनकी महिमा कितनी निराली है। भगवान शंकर को सावन अति प्रिय है, और बोरिंग रोड चौराहे पर भगवान शंकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर पर वो भक्त जो यहाँ आसपास हॉस्टल में रहते हैं, खासकर जो लड़कियां जो पूरे बिहार से आकर पटना में रहती हैं,
उन्हें भगवान शंकर पर पूरा भरोसा होता है, चाहे करियर की बात हो, मन चाहे वर्क की बात हो या फिर आगे बढ़ने की बात हो। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जितनी भी हॉस्टल की लड़कियां हैं खास तौर से इस मंदिर में आती हैं, भगवान शंकर को जलाभिषेक करती हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, घर की महिलाएं पुरुष भी इस मंदिर में आते हैं, भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं कि ये जो भगवान शंकर जो बोरिंग रोड चौराहे के इस मंदिर में विराजमान है, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ऐसे भी भगवान शंकर जहां भी हो उन्हें विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भक्ति भाव से सिर्फ एक लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित कर दे, उन्हें समर्पित कर दे, तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और उसकी तस्वीर यहां नजर आ रही है, ये देखिए अभी सिर्फ 7:07 हुए हैं, लेकिन तस्वीर बोरिंग रोड चौराहे के शिव मंदिर जो शिवालय है उसकी बयां कर रही है कि आज सावन है। और सिर्फ सावन नहीं, सावन का पहला दिन पहली सोमवारी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई मायनों में ये सावन खास है, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी कभी होता है कि सावन का पहला दिन हो और वो भी सोमवार का दिन पड़े। इस बार सावन की शुरुआत आज से हो रही है, आज का दिन भी सोमवार है, और यही वजह है कि भक्तों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है। सभी भक्त अपने हाथों में जल लेकर, ये देखिए हर हर महादेव की जो गूंज है वो मंदिर में गुंजमान है, सभी हर हर महादेव के बोल यहाँ जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ है, क्या नाम है? हमेशा सावन में आती है। कितनी आस्था है भगवान पर? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसी मंदिर में क्यों? क्योंकि ये मंदिर हॉस्टल के पास आता है, इसलिए। बिल्कुल। तो हाथों में जल लेकर कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार आ रही हैं। व्रत है आपका आज? हाँ, व्रत। कितने सालों से कर रही हैं? 20 साल से कर रहे हैं। भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये देखिए थोड़ा इनके इनके जो पूजे के सामान है वो दिखा दे। बेलपत्र, फूल, धतूरा, एक लोटा जल और पुष्प, यानी वो सारे सामान जो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कहते भी हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। भगवान शंकर को कोई विशेष वस्तु नहीं चाहिए जो आप खरीद नहीं सकते, कोई विशेष ऐसा सामान नहीं चाहिए जो आपके बजट के बाहर हो। बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान शंकर को आप बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। और बिल्कुल वनिता, आज मंदिर में हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज है, भक्तों में उत्साह है, चूंकि सावन की शुरुआत जो है सोमवार से ही हुई है। लौटूंगी आप दोनों के पास। फिलहाल देखिए सावन की पहली सोमवारी को लेकर के देश भर के शिवालयों में भोले भक्तों में अलग ही उमंग है। वैसे तो महादेव का हर दरबार खास होता है, लेकिन देखिए आज आपको कटिहार के मनिहारी वार्ड नंबर 10 स्थित लगभग हजारों साल प्राचीन एक शिवालय की खास कहानी बताते हैं।